राशन भी मिलता है, आलू मिलता है, प्याज मिलता है। और दोस्तों सजवा में अगर कभी आया तो फिर यहाँ पे आना आके और सामान ले जाना। यहाँ की देख सकते हैं, यहाँ दुकान में मतलब ये सब है, मतलब खाने के लिए नूडल्स हो किलो को 2 किलो 50 चना हो गया, तो हाय गाइस नमस्कार दोस्तों, कैसी हो आप सब। आप लोगों के लिए फिर से लेके आ गया हूँ मैं एक नया वाला कंटेंट। और आज का कंटेंट है, ये देख सकते हैं हम लोग ये रास्ते से जाने वाले हैं सजवा, मतलब दुकान है, वहीं से हम लोग को मतलब कुछ भी ये होता है कि जैसे कि खाने के लिए पीने के लिए राशन वगैरह कुछ भी होता है तो हम लोग वहीं से खरीदते हैं। थोड़ा दूर देख सकते हैं हम लोग, कहते हैं वहाँ आगे और जा रहे हैं हम लोग वहाँ। जैसे हम लोग वहाँ पर जाएंगे दुकान वाले वीडियो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ आप लोग फीलिंग्स भी नहीं कर पाएंगे कि इतना प्रॉब्लम होता है। ये नागालैंड, मतलब नागालैंड में ऐसी ऐसी कोई जगह है, ऐसी भी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से मतलब बाहर से आदमी आके रह नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग खुद देख सकते हैं हर तरफ जंगल ही जंगल है। यहाँ पे इतना मतलब ऐसा है कि आप लोग अगर कहीं भी मतलब टाइम छोड़ के अन टाइम पे कहीं भी जाने के लिए कोशिश करो तो जा नहीं पाओगे, क्योंकि बाहर का वेहिकल होगा, गाड़ी होगा तभी आप जा पाओगे, नहीं तो नहीं जा पाओगे। कैसे, क्योंकि यहाँ आपका एक टाइम है जो हम लोग का घर में अगर जाते, मैं जैसे कि बिलोंग करता हूँ आसाम से, जैसे लंका से, यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा पहले कोहिमा जो कि नागालैंड का कैपिटल है। तो कोहिमा जाने के बाद आप लोगों को फिर जाना पड़ेगा दिमापुर से, वहाँ से नागालैंड और असम का जो बॉर्डर है वो बॉर्डर पार करके हम लोगों को नेक्स्ट मतलब असम में घुसता है, असम में जाना है। तो हम लोगों के दिमापुर से तो ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोगों के घर का बस यहीं से थोड़ा दूर है, और मैं बताऊंगा कि आप लोगों को कितना दूर है, कैसा क्या है। तब तक के लिए वीडियो आप लोग देखते रहिए, चलिए हम लोग चलते हैं दुकान पर। ओके, इस तरीके से ये देख सकते हैं, ये सीमेंट ट्री है, ये जैसे कि यहाँ के जो नागा आदमी वो लोगों को ऐसे करते हैं। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, जो मतलब यहाँ का मतलब एक नया है और वो अचानक है, मतलब आप लोग भी मतलब सुन के चौंक जाओगे कि क्या है भाई, ये सब कैसे हो रहा है इंडिया में, नागालैंड में ऐसे भी जगह है नॉर्थ ईस्ट में। ये देख सकते हैं ये जो बस्ती है वो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, वो सामने वाला जो व्हाइट कलर का है वो है चर्च हम लोगों का, मतलब यहाँ ये हम लोगों का बस्ती नहीं है, ये मतलब उस पार है नदी का उस पार। तो ये जो बस्ती है मतलब इसमें आपका जो मतलब हम लोग जो बत्ती जलाते हैं ना, ये करंट वो बस्ती में करंट नहीं है, क्योंकि मतलब यहाँ से मतलब उस पार कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से शायद गवर्नमेंट ने मतलब लाइट के लिए सप्लाई नहीं दिया है। लेकिन वहाँ का जो पब्लिक है वो भाई आप लोग सोच भी नहीं सकते, वो बहुत भयंकर किस्म का इंसान है भाई। चाइना बॉर्डर पर ऐसे पब्लिक अगर आ जाए ना तो भाई कमाल हो, एकदम धमाल हो भाई, धमाल से भी ज़्यादा धमाल हो। तो यहाँ का जो बस्ती का जो है मतलब पब्लिक ने खुद से मतलब लाइट का मतलब तैयारी किया है, करंट का तैयारी किया है, मतलब खुद से बनाया है। कैसे बनाया है कैसे ना बनाया है वो तो मुझे पता नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ कभी तो मतलब अगर चांस मिले तो फिर मैं आप लोगों को वहाँ का वीडियो दिखाने के लिए कुछ फेसबुक आईडी में मतलब मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से मतलब डिस्क्रिप्शन से अगर आप लोगों के लिए मतलब मेरा ये वीडियो देखने के लिए अगर बोर लगे तो फिर आप लोग सब वीडियो में इंटरेस्टेड होने से आप लोग जाइए, ताकि इंस्टाग्राम में वीडियो देख सकते हैं, फेसबुक के पेज से मेरा पेज पे भी आप लोग वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे शॉर्ट वीडियो का अच्छा अच्छा कॉन्टेंट है आप लोग को बहुत अच्छा लगता है। देख सकते हैं दोस्तों ये मेन रोड जो है, ये छाजुबा का मतलब ये रोड जो जाता है यहाँ किसी तरह आप लोगों को मतलब आसाम तक भी जा सकते हैं, और ये जो है यहाँ से आप लोग कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ से भी आसाम जा सकते हैं, मेरा कहने का मतलब कहीं से भी जा सकते हैं, रास्ता तो वही जगह पे रहता है। और फिलहाल मैं आ चुका हूँ मेरे दुकान में, यहाँ से हम लोगों को सामान लेना है, तो अभी हम लोग लेते हैं सामान। तो वीडियो को तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं दुकान में, और दुकान के नज़ारा कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ दुकान में मतलब ये सब है, मतलब खाने के लिए नूडल्स हो और वगैरह, मतलब राशन भी मिलता है, आलू मिलता है, प्याज मिलता है। और दोस्तों सजवा में अगर कभी आया तो फिर यहाँ पे आना आके और सामान ले जाना यहाँ, क्योंकि हम लोगों का भैया जो है दुकानदार बहुत मस्त आदमी है, बहुत मज़ा आता है यार।
मिल जाएगा। तो दोस्तों ये देखो, ये हम लोगों का दुकान जो है कुछ इस तरीके से, मसाला का पैकेट हो या कुछ भी हो, मतलब मिलता है, मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है कि हाँ ये नहीं मिलता है वो नहीं मिलता, मतलब हर कुछ मिलता है। लेकिन होने से भी यहाँ का थोड़ा महंगाई कुछ ज्यादा है दोस्तों। ये देख सकते हैं कपड़ा, छोटे बच्चे के लिए अगर कपड़ा हो तो मतलब सैंडल हो, ये सब भी मिलता है, सॉक्स हो, आप लोगों को मतलब मिल जाएगा, कुछ भी मिलेगा। लेकिन अंडरपैंट तो दोस्तों देख सकते हैं, ये हम लोगों का जो भैया है, मतलब वो भैया के साथ नागामिस में बात करने वाले, रुकिए तो वो बिजी है, बाद में हम लोग कॉल करें। तो दोस्त रेडी, चलो रेडी। सती आप नागामिस में बात करो, आपका साथ नहीं, हाँ हाँ मेरा साथ, मेरे पास इसी का साथ। इतु दुटा लईछ ना, फिफ्टी वाला ना, इतु तू 25 हो जाए, एकटा तू ना 25, एकटा तू 25 आसी जाए ना, तुम मेघाला बसी तो होले कि मान हो 10 20 ऊपर बड़ा पाई जाए ना। होय होय, इतु भी जाते तू 5 टका, इतु तू इतु एक आसे दाम तू। होय होय, बसी ते जाते एक आसे ना, आरो मेघाला जाते तू 8 टका मात ना। होय, मेघाला बसी तू एबे की 10 टका होले 15 टका होले भी तू मतलब किस लिए ज्यादा है दाम, तो हम पूछते है भैया से। चलो जो वो जो तो महंग ज्यादा वो जो बिक्री करना चाहिए 50 से, तो मुझे तो ऐसे आलू भी 40 25 ऐसे, टमाटो और आलू तो एक ही आसे बोले भी दाम आसे, टमाटो वो आलू तो 25 किलो तो 2 किलो 50 निशाना हो जाए, तो यहाँ भी सब तो फा तो पाई जाए, रेशन भी की बोले भी आते तो पाई जाए, जूस खान खान की किना बोले पाई जाए। तो दोस्तों देख सकते मतलब यहाँ पे जैसे हम लोग का बाहर आए है, मतलब बाहर से आए है, यहाँ पे रहना है, हम लोगों को काम करना है, तो हम लोग मतलब इसी तरीके से हम लोगों का छोटा फैमिली चल जाता है, मतलब किसी भी करके हम लोग मैनेज कर लेते हैं खुद को, मतलब कहीं से भी जुगाड़ हो ही जाता है भाई। अपने हम तो जाते हैं ऐसे दादा लगा दो सामान किनी भी होलसेल भी पाई जाए, तो टाउन बड़ा जाते भी कमती आसे, तो जाते बड़ा टाउन जाए तो बेसी एक जो निमित्ते तू कोचा तू 250 गाड़ी हायर तू जाए अल्टो तू ना हायर कर, तो अपने जाते बड़ा लो भी सामान की पाई जाओ। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो बस इतना ही था, मैं जैसे दुकान जाके आया और आके अभी रूम पे हूँ, रूम पे अभी मुझे ड्यूटी करना है, मतलब खाना होना पकाना है भाई, प्रॉब्लम आता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग रेडी होके बैठिए, आप लोगों को नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छा कंटेंट वाला वीडियो लाके दूंगा, सिर्फ आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे ना लगे कमेंट कर दीजिएगा प्लीज दोस्तों। आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे बहुत बड़ा मेहमान है।